सो हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो जिस मूवी का इंतज़ार हम इतने महीनों से कर रहे थे, फाइनली वो मूवी आ चुकी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने हाल ही में एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, जहां पर मैंने खुद आप लोग से ही पूछा था कि मुझे वो मूवी एक्सप्लेन करना चाहिए कि नहीं। तो आप लोग ने पूरा ये वोटिंग को वन साइड बना दिया, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था मेरे लिए। तो फाइनली आप सभी की डिमांड में ये वीडियो तुरंत ऑन द नेक्स्ट डे मैंने बना दिया है। लेकिन वीडियो चालू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्पॉइलर अलर्ट है। अगर आपको ये मूवी पूरी थिएटर में देखनी है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो चलते बिना समय वेस्ट किए डायरेक्ट वीडियो की तरफ। मूवी के शुरुआत में हम वही चंदेरी गांव को देखते हैं, जिसमें अब पूरी तरीके से शांति और खुशी फैला हुआ था। यहाँ पर अब सभी मर्द सरेआम घूम रहे थे, किसी को भी स्त्री का कुछ भी डर नहीं था। जैसे कि हमने पार्ट वन में देखा था कि वो स्त्री हमेशा के लिए इस गांव से चले गई है, जिसके बाद आज तक यह गांव सुखी था। लेकिन बहुत ही जल्दी इस गांव को किसी की नज़र लगने वाली थी। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि रुद्र के घर में एक पोस्टमैन आता है, जो कि उसको एक पोस्ट देता है और उससे कहता है कि जो पोस्ट है वो काफी महीनों से पोस्ट ऑफिस में पड़ा था और वो लेटर कोई मामूली लेटर नहीं था, उसे बस वही इंसान खोल सकता है जिसके लिए वो पोस्ट आया था। जब रुद्र उसी एनवलप को खोलता है तो उसे खोलने के बाद वो एकदम से शॉक हो जाता है। वो वहाँ पे उसी चंद्री पुराण के मिसिंग वाले पेज को देखता है, लेकिन आखिर ये पेज इतने सालों के बाद उसे किसने भेजा था। वो तुरंत हमारे मूवी के लेट कैरेक्टर यानी कि विक्की के पास भाग के जाता है। विक्की के पास आने के बाद वो सभी चीज पूरा डिटेल में बता देता है। वो कहता है कि उस पेज के मुताबिक हमारे गाँव में फिर एक बार वापस कोई आने वाला है, मतलब कि उसी मिसिंग पेज में बताया गया था कि स्त्री जाने के बाद कोई वापस से आएगा। ये सभी बातें सुनने के बाद विक्की ये सब बातों में ध्यान देता नहीं। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी होगा नहीं, वो सभी बातें और इतिहास कब की खत्म हो चुकी है, तो अच्छा यही होगा कि आप इसके बारे में ज्यादा सोचो मत। और तभी हमें पता चलता है कि जो बिट्टू था वो अब हमारी तरह नहीं है, वो सिंगल से मिंगल हो चुका था। उसकी अब एक जीएफ थी जिसका नाम था चिट्टी। लेकिन यहाँ पे चिट्टी की एक खासियत थी कि वो हमेशा लोरी सुनने के बाद ही सोती थी, और वो लोरी और कोई नहीं बल्कि हमारे बिट्टू भाई सुनाते थे। और ऐसे ही एक दिन हम देखते कि जब बिट्टू अपनी जीएफ यानी कि चिट्टी को लोरी सुना के वापस घर जा रहा था, तभी अचानक से दूसरी तरफ चिट्टी के घर में कोई आता है और उसे भी अपने आसपास किसी की आहट सुनाई देती है। जैसे वो मदद के लिए वहां से भाग पाती, तभी हम देखते हैं कि जो इतिहास था वो फिर एक बार वापस आ चुका था। लेकिन इस बार हम देखते कि वहां पर स्त्री के बदले सिर कटा था। वो तुरंत चिट्टी के ऊपर अटैक करता है और उसे अपने साथ ले जाता है, और इसी से हमें पता चल जाता है कि फिर एक बार यहाँ पे चंदेरी गांव में मुसीबत आ चुकी है। लेकिन इस बार मुसीबत में कोई मर्द नहीं बल्कि औरत आने वाली थी। यहाँ पर सिर कटा औरतों को अपने साथ लेके जा रहा था, लेकिन वो स्त्री से दो गुना ज्यादा ताकतवर था। तो अब देखने वाली बात थी कि किस तरीके से वो गाँव वाले अपनी औरतों को बचाएंगे उसी सिर कटे से। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि चिट्टी के गायब होने की न्यूज सभी जगह आग की तरह फैल जाती है। ये सुनते ही बिट्टू और विक्की तुरंत वहाँ पे आते हैं, और वहाँ पे पहुँचने के बाद वो ये देख के शौक हो जाते हैं कि वो सिर कटा ने किसी तरीके का पोर्टल को यूज किया था, जिसका ये मतलब था कि वो सिर कटा अपने साथ एक पोर्टल के अंदर सभी औरत को लेके जाता है। ये सभी चीजें देख के अब विक्की को भी विश्वास होने लगा था कि जो रुद्र कह रहा था वो सच है। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो स्त्री के जाने के बाद वापस से कोई आ भी सकता है, लेकिन अब सच्चाई उसके सामने थी। वही दूसरी तरफ हम बिट्टू को देखते हैं, जो कि वापस से हमारी तरह हो गया था। बेचारे ने बहुत ही मेहनत से एक जीएफ बनाया था, लेकिन भगवान को ये भी मंजूर नहीं था। तभी अचानक से विक्की को नीचे की तरफ कुछ दिखाई देता है, वही स्टैचू के पास। वो तुरंत उसके पीछे जाने लगता है, और पीछा करते करते वो उसी जगह में आ जाता है जो कि हमने मूवी के पार्ट वन में देखा था, जिस जगह उसने वही स्त्री के चोटी को काटा था। और यहाँ पर आते ही वो अपने सामने श्रद्धा कपूर को देखते हैं, जिसे देखते ही वो अचानक से खुश हो जाते हैं और नाचने लगता है। लेकिन ठीक पार्ट वन की तरह इस मूवी में भी श्रद्धा का नाम हमें बताया नहीं जाता। यहाँ पे जो विक्की की खुशी थी वो देखने लायक थी। वो श्रद्धा को देख के इस तरीके से खुश हो गया था कि जैसे कि उसने यूपीएससी को क्रैक कर दिया था। वो सच में बहुत ही खुश दिख रहा था। लेकिन तभी श्रद्धा उसे बताती कि यह सभी के लिए हमारे पास समय नहीं है, वो फिर एक बार वापस आ चुका है। और इस मोमेंट में हम देखते कि विक्की भी उसकी बात को समझ पा रहा था। श्रद्धा उसे बताती कि अगर हमें उसी सिर कटे को हराना है तो उसके बारे में हमें डिटेल में जानना होगा, जिसके लिए हम देखते कि विक्की फिर एक बार यहाँ पे रुद्र के पास आ गया था।
लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो ये देखता है कि जो रुद्र था वो पहले से काफी सीरियस है। वहाँ पे बिट्टू भी था और वो दोनों मिल के उसी शेर कटे के बारे में पता कर रहे थे अपने चंद्री पुराण में। रुद्र यहाँ पे सभी हिस्सों को जोड़ता है और फाइनली उसे उसी शेर कटे के इतिहास के बारे में पता चल जाता है। उसे पता चलता है कि कई सालों पहले एक गांव में एक मुखिया रहता था जिसका नाम था चंद्रभान। वो चंद्रभान औरतों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो हर एक दिन किसी औरत के ऊपर जुल्म उठाता था। ये सभी चीज की वजह से हम देखते हैं कि जो उस गांव की औरत थी अब वो दिन पे दिन परेशान हो रही थी। तभी सभी औरतों को चंद्रभान से बचाने के लिए हम देखते हैं कि वहां पे स्त्री आ जाती है। वो बड़ी हिम्मत से सभी के सामने चंद्रभान के गले को उसके शरीर से अलग कर देती है, जिसके बाद वो लोग को पता चलता है कि उसी शेर को इसी गांव में दफनाया गया है और फिर एक बार वो कटा शेर वापस आ चुका है, यानी कि वो और कोई नहीं बल्कि चंद्रभान था। ये सभी के वजह से अब वो लोग को तो इतना समझ में आ चुका था अगर वो लोग को शेर कटे को रोकना है तो वापस से स्त्री को बुलाना पड़ेगा जिसे उन्होंने काफी सालों पहले भगा दिया था। लेकिन उस स्त्री को बुलाने वाला बस एक ही इंसान था जो कि था जना। और जना को लास्ट बार हमने वरुण धवन के पास देखा था यानी कि दिल्ली में। तो वो सभी जना को बुलाने के लिए वहां से दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बिट्टू और विक्की दोनों भी आ चुके थे जना के पास। वो यहाँ पे जना के पास आके उसे डराते नहीं और ना ही बताते कि हमें तुम्हें स्त्री के लिए वापस लेके जाना है। वो बहुत ही चलाकी से काम लेते, मतलब कि वो जना को ये बता के लेके जाने की कोशिश करते कि हमारे गांव में एक नाटक होने वाला है और उसमें हमें तुम्हारी जरूरत है। लेकिन वहाँ पे जना वो लोग के साथ आने के लिए तैयार नहीं होता है। वो कहता है कि मैं अब एक एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मुझे फिर एक बार उसी गाँव में वापस जाना नहीं है। यहाँ पे वो विक्की और बिट्टू को साफ मना कर देता है वो लोग के साथ जाने से। लेकिन तभी अंदर की तरफ से किसी की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही अंदर की तरफ वो लोग जाते हैं तो वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि जन्ना का जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही जोरों शोरों से हो रहा था एक भेड़िए के साथ, जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारा वरुण भाई था। वो लोग को देखते ही तुरंत वो भेड़िया वहां से भाग जाता है और फिर उसके बाद जना के पास अब कुछ शब्द नहीं था बोलने के लिए, जिसके वजह से अब वो चुपचाप वो दोनों के साथ वापस चंद्री गांव आ जाता है। गांव में आने के बाद स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक विक्की और बिट्टू उसके साथ एकदम नॉर्मल लाइफ जीते, मतलब कि उसके साथ खेलते मजे करते, उसे बिल्कुल भी ऐसा दिखाते नहीं कि उसकी जरूरत हमें है और ना ही अभी तक उन्होंने स्त्री का नाम लेके उसे डराया था। लेकिन कुछ समय के बाद वो उसे रुद्र के पास लाते हैं और इस मोमेंट में अब जाके जना को भी पूरा सच्चाई पता चल जाता है कि वो लोग ने तो आखिर स्त्री को बुलाने के लिए वापस इसे लाया था। ये सभी बातें सुनने के बाद जना साफ मना कर देते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई और भी नहीं था जो कि स्त्री को वापस बुला सके। जैसे कि हमने पार्ट वन में देखा था कि एक जना ही था जो कि स्त्री का मदद किया था वो सभी दीवार में लिखे हुए शब्द को मिटा के, और दूसरी तरफ वो बार बार स्त्री के वश में भी हो रहा था। तो एक यही इंसान था जो कि इस गांव को बचा सकता है। वो सभी मिलकर जना से बहुत ही रिक्वेस्ट करना चालू कर देते हैं, लेकिन जना वो लोग की बात मानता नहीं। जो उसका हाल हुआ था पार्ट वन में उसके बारे में सोच के वो एकदम से डर गया था और इसी वजह से वो तैयार होता नहीं वो लोग की बात मानने के लिए। लेकिन फिर अचानक से इतने कहने पर हम देखते हैं कि जना फाइनली मान जाता है वो लोग की मदद करने के लिए। अब इसके बाद मूवी का सीन डायरेक्ट रात में शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो सभी उसी जगह में आ चुके थे जिस जगह में विक्की ने वो चोटी काटा था। वो सभी वहाँ पे आने के बाद अब स्त्री को बुलाने लगते हैं, लेकिन तभी जना वो लोग को बताता है कि ये सही तरीका नहीं है स्त्री को बुलाने का। उसे बुलाना है तो हमें किसी मर्द को अकेले में छोड़ना पड़ेगा, वो हमेशा झुंड देख के कभी भी आते नहीं है। और इतना सुनते ही हम देखते हैं कि जिसने ये प्लान बताया था उसके ऊपर ही वो लोग एक्सपेरिमेंट कर देते, मतलब कि वहाँ पे रुद्र विक्की और बिट्टू तीनों आपस में बात करते और जना को वहाँ पे ही छोड़ने का फैसला करते, जिसे देखते ही जना समझ चुका था कि वो लोग फिर एक बार उसे बलि का बकरा बनाने के बारे में सोच रहे हैं। वो तुरंत वो लोग के साथ आता है, लेकिन तभी उनमें से एक कहता है कि वो देख पतंग, जिसके बाद जना भी ऊपर की तरफ देखता है और तुरंत वो लोग पीछे से भाग जाते हैं। यहाँ पर जो जना की हालत वो खराब हो रही थी, वही दूसरी तरफ हम बिट्टू और रुद्र को देखते हैं जो कि उसके ऊपर नजर रखे हुए थे। वो लोग स्त्री के राह में काफी देर तक उसी जगह में रहते, लेकिन वहाँ पे स्त्री तो आती नहीं बल्कि उसके बदले वही सिर कटा ये लोग के पास आ जाता है, जिसे देखने के बाद अब सभी लोग डर के मारे तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करते, लेकिन अब तक बहुत लेट हो गया था। यहाँ पे हम देखते कि फिर एक बार जो जना था वो बलि का बकरा बन चुका था। वो सिर कटा डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो हवा में उसको लटका देता है। जना ऑलमोस्ट मरने की कगार में था और एक मिनट के लिए उसके सांस भी रुक जाती है,
ये देखने के बाद विक्की को काफ़ी बुरा लगता है और वो लोग उसकी मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन वो सिर कटा जना को ऑलमोस्ट मार ही चुका था। तभी दूसरी बार हम देखते हैं कि अचानक से जना को होश आता है और उसकी जान में जान वापस आती है। वो तुरंत सभी से कहता है कि जल्दी से यहाँ से भागो। वो सभी तुरंत बाइक निकालते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे हम दूसरी तरफ वही सिर कटे को देखते हैं जो कि अब ये लोग के पीछे हाथ धो के पड़ गया था। वो ये लोग के बाइक को फॉलो करने लगता है, जिसमें हम देखते हैं किसी और की नहीं बल्कि जना की बैंड बजती है। वो सिर कटा जना के पिछवाड़े के ऊपर अटैक कर देता है। वो तो भला हुआ रुद्र की दारू की बोतल का, जिसकी मदद से वो लोग बचते हैं, यानी कि वही दारू की बोतल से वो उसी सर कटे के ऊपर आग लगा देते हैं। लेकिन इस आग में हम देखते हैं कि उसकी बाइक भी बहुत ही बुरी तरीके से जल जाती है, जिसके बाद अब वो पैदल ही भागना चालू कर देते हैं। और भागते भागते वो लोग को एक जगह मिलता है जिसमें वो आके छुप जाते हैं। यहाँ पर ये सभी को लग रहा था कि वो लोग फाइनली वहाँ से बच गए, क्योंकि लंबे समय तक किसी की भी आवाज़ वहाँ पे आती नहीं। लेकिन दूसरी पल हम देखते हैं कि वो सभी अपने सामने वही सिर कटे के पूरे बॉडी को देखते हैं। वो फिर एक बार ये लोग के ऊपर अटैक कर देता है, और इस बार हम देखते हैं कि वो सिर कटा किसी और को नहीं बल्कि विक्की को अपना शिकार बनाता है। वो जैसे ही उसको जान से मारने वाला था, तभी मेन मोमेंट में हम देखते हैं कि श्रद्धा कपूर की एंट्री होती है, जो कि मूवी का सबसे बेस्ट सीन था। और इसी बीच हम वो दोनों के बीच एक बहुत ही अच्छे फाइट को देखते हैं। लेकिन जितना भी थी श्रद्धा के पास वो स्त्री का पूरा ताकत नहीं था, उसने बस उसके बाल को अपने में लगाया था, जिसके वजह से हम देखते कि वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रही थी। वही दूसरी तरफ हम सिर कटे को देखते जिसके बारे में हमने मूवी के स्टार्टिंग में जान लिया था, वो स्त्री से 2 गुना ज्यादा ताकतवर था। वो बड़ी आसानी से अब श्रद्धा को भी संभालना चालू कर देता है, और इस मोमेंट में हम देखते कि वहाँ पे श्रद्धा भी बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाती है, जिसके बाद अब वो उसी स्त्री के पुतले को सभी के ऊपर गिरा देता है। लेकिन जैसे तैसे वो लोग अपनी जान बचा लेते हैं। अब यहाँ पे सिर कटा सभी के सामने खुलेआम सभी को वार्निंग देना चालू कर देता है, और ये देखने के बाद अब पूरे गाँव वालों को पता चल चुका था कि वो सिरकटा वापस आ चुका है। यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि वो सिरकटा सभी औरतों को अपने साथ लेके नहीं जाता था, बल्कि उसका शिकार तो मॉडर्न टाइप की कुछ औरतें होती थी, यानी कि जो छोटे छोटे कपड़े पहनती थी, जिसे पार्टी करना या फिर क्लब में जाना पसंद है, उस टाइप की औरतों को वो ज्यादा पसंद नहीं करता था। वो फिर एक बार अपना राज बनाने की कोशिश करता है, जो कि वो 200 साल पहले किया करता था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगले सुबह श्रद्धा और विक्की दोनों में आपस में बातें कर रहे थे, क्योंकि अब वही थे जो कि ये पूरे गांव को बचा सकते थे वो सिर कटे से। तब इसी बीच हमें पता चलता है कि श्रद्धा अचानक से गायब किस लिए हुई थी। वो बताती है कि वो एक ब्लैक मैजिक को सीख रही थी, और उससे पता था कि सिर कटा वापस कभी ना कभी तो आएगा, तो वो उसी की तैयारी में लगी थी। यहाँ पे श्रद्धा उन्हें बताती कि उन्हें जो भी कुछ करना है जल्दी करना होगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी एक महापूजा आने वाली थी, जिसके बाद वो सिर कटा बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगा और तब उनमें से कोई भी उसे रोक नहीं सकता। दूसरी तरफ हम जना को देखते जिसकी जो हालत थी वो खराब होती जा रही थी। वो जब भी आंखें बंद कर रहा था तो उसे वही रात वाले सीन वापस से उसके सामने आ रहे थे। तभी वो सभी को ये भी बताता है कि मैंने उसी सिर कटे की जगह को देखा है, यानी कि जहाँ पर वो रहता है, और उसके साथ उसने चिट्टी और बाकी लोगों को भी देखा था जो कि पूरी तरीके से गंजी हो चुकी है, और वो सभी सफेद साड़ी में थे। और ये बात तब की थी जब उसके शरीर से 1 मिनट के लिए उसकी जान चली गई थी। तभी वो उसी सिर कटे वाले जगह में आ चुका था, जिसे देखने से वो जगह किसी नरक से कम नहीं लग रहा था। ये सभी बात वो खुल के यहाँ पे बता देता है। अब इसके बाद मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि पूरे गांव की औरत अब विक्की को पकड़ना चालू कर देते हैं, और हर बार की तरह हम देखते हैं कि अब विक्की वो लोग का मसीहा बनने वाला था। मतलब कि वो सभी औरत विक्की से कहने लगते कि तुमने वो स्त्री को क्यों भगाया, जब तक वो स्त्री थी तो बस मर्दों को खतरा था, लेकिन अब हमें खतरा होने लगा। मतलब कि एक तरफ से भला भी करो और दो बात सुनो भी। वो लोग इसे सुनाने लगते कि अब वो स्त्री थी तो कम से कम हम बचे हुए थे, वो बस मर्दों को लेके जाते थे, लेकिन अब वो सिर कटा सभी औरतों के पीछे पड़ गया। फिर अंत में हम देखते कि अब सभी औरत विक्की से कहने लगती है कि तुम ही वो सिर कटे को रोकोगे, जिसमें हम देखते कि श्रद्धा कपूर भी उससे कहती है कि तुम कुछ स्पेशल हो। जैसे कि हमने पार्ट 1 में भी देखा था कि विक्की की आंखों में कुछ अलग ही प्यार था, और वो अपने इसी खासियत के वजह से शायद वो सिर कटे को भी रोक सकता है। तभी श्रद्धा उसे एक तलवार देती है और कहती है कि तुम्हें बस किसी भी तरीके से वो सिर कटे के सीने में ये घुसाना होगा।
लेकिन याद रखना कि तुम ये काम बस एक ही बार कर सकते हो। एक तरफ मर्द थे जिसे बचाने के लिए उसने अपनी जान में खेला था, और अब इसके बाद दूसरी तरफ औरत आ गई जिसे बचाने के लिए वो फिर एक बार अपनी जान की बाजी लगाएगा। लेकिन यहाँ पर बात ये था कि आखिर उस सिर कटे को वापस किससे बुलाया जाए। स्त्री को बुलाने का तरीका बहुत ही सिंपल था, किसी भी आदमी को अकेले में छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर वो सिर कटा सभी औरतों के ऊपर अटैक नहीं कर रहा था, तो उसे बुलाने के लिए ये लोग को कुछ अलग ही तरीका सोचना पड़ेगा। जिसमें हम देखते हैं कि रुद्र उन्हें बताता है कि वो चंद्रभान यानी कि वो सिर कटे को नाच देखना काफी पसंद था, लेकिन आखिर इस गांव में उसके डर से नाचेगा कौन। और ये सभी सवालों का जवाब और कोई नहीं बल्कि समा थी। समा यहाँ पे रुद्र की काफी पुरानी दोस्त थी और उसे रुद्र पसंद भी था। जिसमें हम देखते हैं कि वो फाइनली उसी सिर कटे को बुलाने के लिए वहाँ पे नाचने का फैसला करती है, और वो ये सब बस रुद्र के कहने पे करती है। उसे पता था कि इसमें उसकी जान का भी खतरा है, लेकिन जितना भी था इंसान की पसंद के सामने वो भला कहाँ टिक पाता है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि अब रात में वो सभी डांस का जो प्रोग्राम था वो चालू हो जाता है। यहाँ पे विक्की और जना दूर खड़े होकर सभी चीज को नोटिस कर रहे थे, और फिर कुछ ही देर में हम देखते हैं कि ठीक उनके प्लान के मुताबिक वहाँ पे चंद्रभान आ जाता है, मतलब कि सिर कटा, जो कि सामो को लेने के लिए आया था। लेकिन विक्की तुरंत सामो को पीछे करता है और सभी से कहता है कि मेरी मदद करना, जिसके बाद अब वो उसी सिर कटे की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम देखते कि वो सिर कटा काफी शक्तिशाली था, वो अपनी आंखों से विक्की को ब्लाइंड कर देता है कुछ मिनट के लिए। और वही दूसरी तरफ हम देखते कि जितने भी आदमी वहाँ पे थे सभी उसके वश में आ जाते हैं, जिसके बाद वो सही मौके का फायदा उठा के जो बलि की बकरी थी उसे लेके वहाँ से चला जाता है, मतलब कि सामा को। इस मोमेंट में हम देखते हैं कि श्रद्धा वो लोग को बचाने के लिए आने वाली थी, लेकिन वो आती नहीं, बल्कि वो उसके बदले उसी सिर कटे के जगह को ढूंढने में लगी थी। लेकिन हम देखते हैं कि वो उसके अंदर तक भी जाने पाती। अब इसके बाद हम दूसरी तरफ रुद्र को देखते हैं, जिसका बहुत ही बुरा हाल हो चुका था। रोके वो अपनी समा को तो खो दिया था, बस उसके कहने पर वो यहाँ तक आई थी, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाया, जिसके वजह से अब वो खुद को जिम्मेदार मानता है ये सब के लिए। यहाँ पे हम विक्की को देखते हैं जो कि छत में उदास बैठा हुआ था। तभी अचानक से वहाँ पे श्रद्धा आती है, जिसे देखते ही विक्की काफी चिल्लाने लगता है। उसे लग रहा था कि श्रद्धा वहाँ पे आके सब संभाल लेगी, लेकिन श्रद्धा तो आई नहीं थी। यहाँ पे श्रद्धा उसे बताती है कि मैं उसके जगह में जाने की कोशिश करी थी, मुझे लगा कि जब तक तुम लोग उसे फंसा के रखोगे तब तक मैं उसके जगह में जाके बाकी औरतों को बचा के आ जाऊंगी, लेकिन मेरा यह प्लान फ्लॉप हो गया, मैं उसके जगह के अंदर तक भी नहीं जा पाई। ये सुनने के बाद अब विक्की श्रद्धा की असलियत के बारे में उससे पूछने लगता है, वो उसके बारे में पूरा सच बताने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ पे श्रद्धा उसे रिप्लाई देती है कि अगर मैंने तुम्हें अपना सच बताया तो तुम मुझसे नफरत करना चालू कर दोगे। यहाँ पे हम नोटिस कर पा रहे थे कि कहीं ना कहीं श्रद्धा भी विक्की को पसंद करती थी। अब नाम ही इतना अच्छा है तो बेचारी श्रद्धा भी इसमें क्या कर सकती। खैर उसी बीच हम देखते हैं कि नीचे से वहाँ पे रुद्र और बिट्टू आते हैं, जिन्हें पता चल चुका था कि आखिर वो पोस्ट भेजने वाला कौन था। उन्होंने उसकी जगह के बारे में पता कर लिया था, और यही बात बताने के लिए वो श्रद्धा और विक्की के पास आए थे। अब इसके बाद हम देखते हैं मूवी के अगले सीन में वो सभी एक भोपाल के मेंटल हॉस्पिटल में आ जाते हैं, जहाँ से ये पोस्ट वो लोग को भेजा गया था। यहाँ पे आने के बाद उनकी मुलाकात होती है अक्षय कुमार से, जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल में था। जब वो सभी उसी पोस्ट के बारे में पूछते हैं तो वो उनको बताता है कि जो चंद्रभान था वो एक्चुअली उनका ही पूर्वज था, और उसे मानने का वो तरीका भी ये लोग को बताता है। वो कहता है कि उसे मानने का बस एक ही तरीका है, जो कि उसके घर में घुस के मानना था, यानी जहाँ पे वो रहता था बस वहाँ पर ही उसकी मौत हो सकती है। लेकिन उसे मानना भी इतना आसान होने वाले नहीं था, क्योंकि जिस दुनिया में वो रहता है उस दरवाजे के अंदर कोई भी जा नहीं सकता, मतलब कि वो बताता है कि उस दरवाजे के अंदर बस वही जा सकता है जो कि ना ही पूरी तरीके से आदमी हो, ना ही औरत, और ना ही किसी तरीके का कुछ जानवर। लेकिन यहाँ पे जना के दिमाग में कुछ और ही था, वो अपने भाई भास्कर के बारे में ये लोग को बताने की कोशिश करता है, लेकिन इन लोगों में से कोई भी उसकी बात में ज्यादा ध्यान देता नहीं। उसका भाई आधा भेड़िया था और आधा इंसान था, तो वो ये लोग की मदद कर सकता है, इसलिए वो कब से प्लान बी कह के बोल रहा था। लेकिन उन दोनों के दिमाग में कुछ और ही प्लान था, मतलब कि श्रद्धा ने ये सोच लिया था कि वो अपने ब्लैक मैजिक का यूज करके विक्की के अंदर जाएगी, और वो दोनों यानी कि विक्की और श्रद्धा दोनों भी एक ही शरीर में होके ना ही वो पूरी तरीके से आदमी होगी और ना ही पूरी तरीके से औरत, और इसी वजह से वो दोनों उसके जगह में जा सकते हैं। तो ये सब इनका प्लान ए था, और दूसरी तरफ जो जना का प्लान बी था वो तो हमें पता ही था।
खैर इसके बाद हम देखते हैं कि अब विक्की वही पहले की तरह फुल सूट वूट पहन के आ जाता है, लेकिन इस बार वो शादी का सूट नहीं बल्कि एक वॉरियर का सूट पहन के आया था। जिसके बाद अब वो सभी उसी जगह में जाने के लिए निकल जाते हैं। अब इसके बाद मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि श्रद्धा अपनी शक्तियों का यूज करती है और विक्की के अंदर चली जाती है और फिर वो दोनों भी मिलके उसी पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, यानी कि दूसरी दुनिया में। जिसके बाद फाइनली हम देखते हैं कि अब वो दोनों भी उसकी जगह में आ चुके थे। वो जगह देखने में काफी खतरनाक था और हर जगह हम यहाँ पे लावा को देखते हैं, जो कि इस जगह को और भी हॉन्टेड बना रहा था। यहाँ पे श्रद्धा तुरंत विक्की से कहती है कि तुम जाके वहाँ पे सभी औरतों को बचाओ और मैं रोकती हूँ यहाँ पे उसी सिर कटे को। जिसमें हम देखते हैं कि विक्की पहली बार तो मानता नहीं, वो उसे छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं था। वो जानता था कि श्रद्धा यहाँ पे वो सिर कटे को ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगी और ये सभी में उसकी जान को भी खतरा था, तो इसलिए वो उसको छोड़ के जाने के लिए तैयार होता नहीं। लेकिन श्रद्धा के इतने कहने पे फाइनली वो मान जाता है और वो तुरंत वहाँ से सभी औरतों के पास जाता है उन्हें बचाने के लिए। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विक्की की जाते ही वहाँ पे सिर कटा आ जाता है, जो कि श्रद्धा की जस्ट क्लोज आ गया था। और इस मोमेंट में हम फिर एक बार एक बहुत ही अच्छे फाइटिंग सीन को देखते हैं। काश ये मूवी एक थिएटर क्वालिटी में नहीं निकल के नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार में निकलता तो ये सभी फाइटिंग सीन में आपको वीडियो के साथ HD में दिखाता, लेकिन बदनसीबी से वो मूवी पूरी थिएटर क्वालिटी में, जिसका मैं यूज करके आपको दिखा भी नहीं सकता। खैर मूवी में वापस आते हम देखते कि श्रद्धा अपना पूरा दम लगा लेती है उसी सिर कटे से लड़ने के लिए, लेकिन वो सिर कटा श्रद्धा के सोच से भी ज्यादा ताकतवर निकलता है। वो धीरे धीरे श्रद्धा के ऊपर हावी होना चालू हो गया था। और इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते कि जब विक्की बाकी औरत को आजाद कर रहा था तो उनके साथ भी वही हो रहा था जो कि श्रद्धा के साथ यहाँ पे हो रहा था। जैसे जैसे वो सिर कटा यहाँ पे श्रद्धा को मार रहा था, वैसे वैसे हम दूसरी तरफ वो सभी औरतों को देखते जिनके साथ भी सेम हो रहा था और ये सभी चीज विक्की अपनी आंखों से दिख रहा था। जिसके बाद अब विक्की श्रद्धा के पास जाता है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन ये दोनों मिलके भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। ये सभी चीज हम देखते कि बाहर जनक को पता चल रहा था, जैसे कि वो इससे पहले भी इस जगह में आ चुका है, तो ये सभी के वजह से कहीं ना कहीं जना ये सभी चीज से कनेक्ट हो चुका था। वो सभी चीज को देख पा रहा था जो कि अंदर हो रहे थे। और तभी आता है मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जो कि सच में पूरे ऑडियंस को शॉक करने वाला था। मतलब कि वहाँ पे हम वरुण धवन को देखते जो कि भेड़िया बन के आ गया था, और इसी के साथ हम देखते कि अब इस लड़ाई में वरुण धवन की भी एंट्री हो चुकी थी और अब वो तीनों भी मिलके उसी सिर कटे से लड़ना चालू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर एक बार हम देखते हैं कि वो सिर कटा ये सभी के ऊपर भारी पड़ रहा था। जब भी वरुण धवन उसके सिर को बहुत ही बुरी तरीके से नोच के फेंक रहा था तो जितने भी उसके हिस्से गिरे थे वहाँ से एक और नया सिर आ जा रहा था, तो ये सभी की वजह से हम देखते कि यहाँ पर वो भेड़िया यानी कि वरुण धवन भी इस मामले को संभाल नहीं पाता। वो जितना उसके ऊपर अटैक कर रहा था उतनी शक्ति उसकी बढ़ती जा रही थी। इस मोमेंट में हम देखते कि वो एकला सिर कटा और उसकी बॉडी ये तीनों के ऊपर भारी पड़ी थी। तभी इसी बीच हम देखते कि वो सिर कटा अब श्रद्धा के चोटी को भी उखाड़ देता है। और तब आता है मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब वो सिर कटे ने श्रद्धा के चोटी को निकाला था तो वो दर्द के मारे बस इतना कहती है माँ। और इतना सुनते ही हम देखते कि तभी अचानक से वहाँ पर सच में रियल स्टोरी आ जाती है और इससे हमें छोटा सा हिंट दिया जाता है कि वो श्रद्धा कपूर की माँ और कोई नहीं बल्कि स्त्री थी। यहाँ पे वो स्त्री डायरेक्ट उसी सिर कटे के सामने आ जाती है और फिर एक बार 200 साल पुरानी बातें वापस से ताजा हो जाती है। मतलब कि वो स्त्री सभी के सामने उसके हाथ पैर हर एक पार्ट को काट देती है और उसके बाद वो उसी सर के हिस्से करके उसे लावा में फेंक देती है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि वो तीनों भी यहाँ पे मरते मरते बच गए थे, यहाँ तक कि खुद वरुण धवन भी। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि विक्की अब सभी औरतों को वहाँ से आजाद कर लेते हैं और वो सभी फाइनली उसी जगह से बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम सभी आदमियों को देखते हैं जो कि वापस से नॉर्मल हो जाते हैं और फिर एक बार हम देखते हैं कि चंदरी गांव में वापस से शांति आ जाती है। अब इसके बाद मूवी के अंत में हम देखते हैं कि वापस से श्रद्धा अब वहां से जाने की कोशिश करती है। जिस तरीके से हमने पार्ट 1 में देखा था कि वो अपने काम को खत्म करने के बाद वहां से जा रही थी, ठीक उसी तरीके से वो इस पार्ट में भी अब वहां से जाने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि विक्की उसे जाने देता नहीं, वो उसे कहता है कि तुम आखिर यहाँ पे रुकती क्यों नहीं, जिसके रिप्लाई में श्रद्धा उसे सब कुछ सच बता देती है कि मैं और कोई नहीं बल्कि स्त्री की खुद की बेटी हूँ और जो भी तुम्हारे दोस्त तुमसे कहते थे कि मैं भूत साजू तो आखिर मैं वही हूँ। मेरा हमेशा से बस एक ही सपना था जो कि मेरी माँ को मुक्ति दिलाना था
और चंद्रभान को मारने के बाद अब मेरी माँ मुक्त हो चुकी है, तो अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम विक्की को भी देखते हैं, जिसे पता चल गया था कि वो एक आत्मा थी और कुछ नहीं। लेकिन जाने से पहले श्रद्धा उसे एक फूल देखी जाती है, जिसकी वजह से हम देख पा रहे थे कि विक्की के अंदर भी अब कुछ पावर या शक्ति आने चालू हो गई थी। और इसी के साथ हम देखते कि ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। अब इसके बाद मूवी के अंत में हमें 3 पोस्ट क्रेडिट सीन बताए जाते हैं, लेकिन जो मेन था जिससे हमें इसके अगले वाले पार्ट के बारे में पता चलता है वो ये था कि मूवी के बाद हमें एक लोटा दिखाया जाता है जिसके अंदर लावा था, और वो लावा से भरा लोटा अपने आप ही अक्षय कुमार तक आ जाता है, जिसे देखते ही अक्षय कुमार तुरंत उस लोटे को पी लेता है, जिसके बाद अब हम यहाँ पे अक्षय कुमार के अंदर भी वो शक्तियों को आता हुआ देखते हैं, जिसका एक ही मतलब था कि अब अगले पार्ट में मे भी अक्षय कुमार हमें एक विलन के रूप में दिखेगा, जिसकी कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो सकती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। इस मूवी की बात करें तो इस मूवी की जो खासियत थी वो थी कहानी में ट्विस्ट। हम यहाँ पर हर एक मूवी के प्लॉट में एक नया ट्विस्ट को देखते हैं, मतलब कि वहाँ पे वरुण धवन की एंट्री या फिर स्त्री की लास्ट में एंट्री, दोनों भी एंट्री सच में पूरी ऑडियंस को शॉक कर देती है, और इसके वजह से ये मूवी और भी स्पेशल बन जाती है। खैर, इसी के साथ अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।